आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नगर परिषद ने बुधवार बाजार में व्यवस्थाओं को लेकर कार्रवाई तथा पॉलिथीन जब्त की गई। ओंकारेश्वर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन तथा जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर नगर परिषद सीएमओ संजय गीते ने हर बार की तरह इस बार भी प्रति सप्ताह बुधवार लगने वाला हाट बाजार में कर्मचारी स्वच्छता अभियान के लिए सभी को जागरूक किया, तो वहीं पॉलिथीन और अन्य सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। आवारा मवेशियों के संबंध में भी सीएमओ ने अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर अनावश्यक बुधवार बाजार में अव्यवस्था फैलाने वाले मवेशियों को मार्गों से हटाया तथा पशुपालक को अपने घरों में मवेशी बढ़ने तथा व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। नगर परिषद अध्यक्ष मनीष परिहार ने कहा कि पूर्व में भी बाजार के दौरान पुराने बस स्टैंड और गधा चौराहे के बीच 12 से 5 वाहनों की आवाजाही बंद कराई थी, कर्मचारियों को भी लगाया था। इस प्रकार व्यवस्था फिर से की जा रही है, कर्मचारियों को लगाया गया है। ड्यूटी पर सभी दुकानदारों और शहरवासियों से अपील भी की जा रही है कि निकाय के कचरा वाहन में कचरे को डाले तथा कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करे। बाजार में टंकियों पर भी पानी और प्रकाश की व्यवस्था की गई। ठाकुर मंगल सिंह ने कहा, सांची दूध, अमूल दूध, पानी बेचने वाली कंपनियां सभी प्लास्टिक का उपयोग कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनी करे तो सही और आम नागरिक करे तो ये गलत नहीं, ये नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक पूरी तरह से बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट के निर्देशों का पालन कंपनियां नहीं करती। कालूराम केवट ने कहा, ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में नालियों में बोतल और पॉलिथीन अड़ने के कारण सफाई कर्मचारियों को भी सफाई में परेशानी होती है। निकाय द्वारा निरंतर स्वच्छता और पॉलिथीन को लेकर अभियान चलाकर जुर्माना आरोपित करना प्रारंभ करना चाहिए। गोविंदा हटवाल ने कहा, अध्यक्ष सीएमओ के निर्देशन में बुधवार बाजार कार्रवाई कर 500 रुपए का जुर्माना आरोपित किया था। लगभग 10 किलो पॉलिथीन जब्त की, लोगों को समझाइश दी, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।